नमस्ते साथियों, आज मैं शालीमार गार्डन में आई हूँ। यहाँ पे शालीमार गार्डन में दुर्गा भवानी मंदिर में यहाँ पे देखा जा रहा है कि होली का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। देखा जा रहा है कि यहाँ पे होलिका दहन की पूजा की जा रही है। यहाँ पर होलिका दहन की महिलाएं पूजा कर रही है बड़े उत्साह से। फागुन मास में मनाया जाता है होली का त्यौहार। दिले सिक्के भूल कर एक दूसरे को कलर लगाया जाता है। रंगों की फुहार, गुंजिया की मिठास, आप सभी को होली की शुभकामनाएं। धन्यवाद। हेलो, मैं रेणुपुरी गाजियाबाद से शालीमार गार्डन में आई हूँ चौक पर। यहाँ पे पूर्व पार्षद जी राजीव भाटी जी हैं जी, इनसे होली के बारे में पूछते हैं। हाँ जी सर, आप होली महोत्सव के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैं राजीव भाटी, पूर्व निगम पार्षद। मैं अपनी तरफ से पूरे क्षेत्रवासियों को शुभकामना देता हूँ कि होली का त्यौहार जो सब खुशी से मनाए, रंगों का त्यौहार सब खूब रंग कर मन करके मनाए और शुभ सुख शांति के साथ में इस त्यौहार को मनाए, सब खुशियाँ मनाए और भगवान सबकी सब पर कृपा करें। जय होलिका माई की जय। विष्णु का वो था कि उन्होंने अच्छाई को सामने लेकर आए और बुराई को जो है, जो हिरण्यकश्यप की जो बुराइयां थी उसको वो करके तो विष्णु भगवान जी ने उस पर विजय प्राप्त की। तो जो होलिका देवी, वो देवी बन गई थी, विष्णु भगवान को अपने गोदी में बिठा कर। यहाँ पे इतनी लोग उत्साह से आए हैं, तो वो जल गई और वो बच गए। भक्त प्रहलाद थे, वो विष्णु भगवान के भक्त थे, इसलिए ये त्यौहार लगा। थैंक यू। आप कुछ कहना चाहोगे? बिल्कुल, सभी लोग होली मना रहे हैं और जैसा कि अभी मेरे बराबर वाली महिला ने कहा कि होली जो है बुराई पर अच्छाई की जीत है, तो सभी को खुशी से एक दूसरे को सारे गमों को भुलाकर गले लगाना चाहिए, जैसे कि हम गले लगा रहे हैं। हैप्पी होली सभी को। मैं रेणुपुरी, आज मैं गाजियाबाद से शालीमार गार्डन में आई हूँ शिव चौक पर। यहाँ पे होली का दहन बड़े उत्साह से मनाया जा रहा है। आइए हम भक्तजनों से बातचीत करते हैं। हाँ जी मैम आप होली के दहन के बारे में कुछ कहना चाहेंगी? सबसे प्यारा त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है, मस्ती का त्यौहार है, एक दूसरे के प्यार और मोहम्मत सौहार्द का त्यौहार है। इसको बहुत खुशी से मनाना चाहिए और सारे दुख को वो होली का दहन जो हो रहा है उसमें हमारा चले जाना है और सब सुख समृद्धि अपने देश और समाज में आ जाए। होली का दहन क्यों मनाया जाता है? होली का दहन इसलिए मनाया जाता है, जो भक्त प्रहलाद थे उनकी रक्षा करने के लिए, क्योंकि वो एक अच्छाई का प्रतीक थे और राक्षस हिरण्यक जो होलिका थी जिसकी वो बहन थी, वो एक बुराई का प्रतीक था हिरण्यक। तो बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए होली का दहन किया जाता है। बहुत अच्छा लग रहा है। आज कलर वाली होली है, उसमें सबको एक सूट हो गए सब इकट्ठे। आप लोगों कैसा? बहुत कलर सबके एक दूसरे के लगाते हैं, सब अच्छा लगता है। खास होता है इसमें, खास एक ही रंग भी दिखाई देते हैं, चाहे कोई हिंदू चाहे कोई ऊंचा नीचा कुछ नहीं, सब एक ही रंग दिखाई देते हैं। एक ही रंग बिरंगे में दिखाई देते हैं। होली का त्यौहार खुशी का त्यौहार होता है, मिलने का त्यौहार होता है, इसमें सब मिलके एक दूसरे साथ होली मनाते हैं और सब एक से रंग में दिखाई देते हैं हमें बस। साथियों, अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मैं रेणुपुरी, जिला गाजियाबाद से समुदाय संवाददाता, इंडियन अडल्ट के लिए।